हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और फेज 4 की अपकमिंग मूवी स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। हाल ही में काफी सारे कुछ ऐसे अपडेट्स आए हैं जिसमें कि कंफर्म ये होता है कि स्पाइडरमैन 3 में आपको पैरेलल यूनिवर्स देखने को मिलेंगे, टाइम ट्रेवलिंग भी देखने को मिल सकती है या मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है। तो जो अपडेट आए वो काफी ज्यादा कमाल के हैं और कुछ रूमर्स भी हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जेकब से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो ये नेट का कैरेक्टर प्ले करते हैं स्पाइडरमैन मूवी में और उन्होंने अपनी अपकमिंग मूवी स्पाइडरमैन के लिए काफी ज्यादा वेट लूज करा है। जी हाँ, अब आप देख सकते हैं उनकी फिजिक्स कितनी ज्यादा मतलब कमजोर से और पतले से हो गए हैं। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में जो की है गुरु के लिए। जी हाँ, सभी जानते हैं कि स्पाइडरमैन होमकमिंग में टॉम हॉलैंड यानी कि हमारे पीटर पार्कर के जो पहले गुरु थे वो थे हमारे आयरन मैन। और अब जब आयरन मैन नहीं रहे एवेंजर्स एंड गेम में तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में दूसरे गुरु जो रहे थे निक फ्यूरी, जो कि स्पाइडरमैन को पीटर पार्कर को समझाते थे कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है और देन एवेंजर्स टीम को कैसे मेंटेन करके रखना है, ये आपको सब कुछ देखने को मिलेगा कॉन्सेप्ट। बट अब निक फ्यूरी भी नहीं रहे तो फाइनली मार्वल स्टूडियो ने फैसला करा कि अपकमिंग थर्ड स्पाइडरमैन मूवी में हम एक नए गुरु को डालते हैं यानी कि महागुरु डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज इस बार आपको अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवी में देखने को मिलेंगे जो कि पीटर पार्कर के गुरु बनेंगे, महागुरु बनेंगे, जो कि उसे आगे की दिशा दिखाएंगे कि आपको कैसे सर्वाइव करना है। और वो एक बच्चा है छोटा जिसको कह सकते हैं एक सुपर पावर मिल गई है पर वो उसे मेंटेन नहीं रख पा रहा है। और साथ ही साथ अगर डॉक्टर स्ट्रेंज है तो इसमें मल्टीवर्स तो कन्फर्म है और देन कुछ रूमर्स आए थे जिसमें कि मेरी जेन और आपको हैरी ऑसबोर्न भी देखने को मिलेंगे, वो आपको वीडियो अगर नहीं देखी तो आई बटन पर मिल जाएगी। और आज का मॉर्निंग अपडेट ये है कि आपको इसमें एडी ब्रॉक भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ, जो कि इसका कैरेक्टर प्ले करते हैं टॉम हार्डी वेनम का, तो आपको एज अ न्यूज रिपोर्टर एडी ब्रॉक भी देखने को मिलेंगे जो कि वेनम का कैरेक्टर प्ले करेंगे। ये रूमर है, कोई ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, जैसा कोई अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो मोडॉक जो कि हुलू पर स्ट्रीमिंग सर्विस पर लॉन्च होने वाली है ये टीवी सीरीज, उसका फर्स्ट लुक और टीजर भी लॉन्च हो चुका है, आप जरूर देखेगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अक्टूबर के महीने से जस्टिस लीग के रीशूट चालू हो जाएंगे, तो फर्स्ट इमेज सामने आ चुकी है और देन बड़ी बड़ी स्क्रीन और देन बड़े बड़ा सेटअप लगाया गया है। ओबी वैन की टीवी सीरीज 2021 से मार्च के महीने में इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, आज के दिन ये कंफर्म हुआ है। अब बात करते हैं मिशन इम्पॉसिबल 7 से रिलेटेड। तो टॉम क्रूज पुलिस के अवतार में पुलिस की बाइक के साथ नजर आए हैं और ये बिहाइंड द सीन काफी ज्यादा वायरल हो रही है, मैंने सोचा कि आज के दिन इसे भी कवर कर लिया जाए। अब बात करते हैं प्रमोशनल कॉन्सेप्ट आर्ट के बारे में। तो वांडा विजन का नया प्रमोशनल कॉन्सेप्ट आर्ट लॉन्च हुआ है जिसमें कि दोनों के लुक जबरदस्त लग रहे हैं। और इसी के साथ अगला प्रमोशनल आर्ट है वो है फैल्कन द विंटर सोल्जर से, जिसमें कि विंटर सोल्जर का आप हेयर स्टाइल देख सकते हो कितना ज्यादा चेंज हो गया और देन फैल्कन का सेम टू सेम वैसा ही का वैसा ही है। तो गाइस, आज के बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर डॉक्टर चेंज के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।